व्हाट्स अप गाइस, आई एम प्रतीक राय। तो आज हम मनाने जा रहे हैं अपना न्यू ईयर। आप लोग कैसे मना रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और नहीं मना रहे तो चलिए चलते हैं। मैं जागी सारी रात सोनियों पे। तो आज प्लान है हम लोग का पूरी रात जागने का, और इंजॉय किस तरह से होगा वो तो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो चलिए देखते हैं ना। तो भाई साहब, आप देख रहे होंगे, अगर आप लखनऊ आए हुए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये हजरतगंज इलाका है, और अभी विधानसभा के सामने से हम लोग निकल रहे हैं, और हम जाने वाले हैं कहाँ पे? मिराज लॉन्च। हाँ, आरिफ जी बता रहे हैं कि हम लोग मिराज लॉन्च जाने वाले हैं, और वहाँ जाके क्या होगा वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो भैया, आज ट्रैफिक तो बहुत है, और जैसे तैसे करके पहुँचना है। तो निकले हैं मंजिल की ओर, तो मंजिल तो मिल ही जाएगी, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेफली ड्राइव करना। तो वो ज़रूर आप भी याद रखिए कि किसी भी मौके पर जल्दबाजी सही नहीं है, सेफली ड्राइव करना ज़्यादा ज़रूरी है। चंद मिनटों में वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, और पहुँचने के बाद वहाँ का नज़ारा आपको देखने लायक मिलेगा। हम लोग इस समय पहुँच गए हैं लखनऊ के हजरतगंज में, जो मेन इलाका है यहाँ पे, और कितनी ज़्यादा यहाँ जो सिक्योरिटी लगी हुई है आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग निकलते हैं और देखते हैं आगे कैसा माहौल है। और यहाँ पे जो है कि एक तरफ से जो रोड है वो बंद रखी हुई है, और कुछ यहाँ का नज़ारा इस तरह से जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, किस तरह से पुलिस लगी हुई है और कितना यहाँ पे सिक्योरिटी है, जिस तरह से माहौल चल रहा है लखनऊ में आप जानते ही हैं। वो इस जगह पे आ चुके हैं, वो इस जगह को देख के पहचान गए होंगे। यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड रहते हैं, जिसे आप देख रहे हैं, मल्टी लेवल पार्किंग है, सामने बोर्ड दिख रहा है आपको, और हर एक आप शॉप का जो है ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड देखेंगे, रिबॉक से लेकर आप कोई भी अगर यहाँ पे शॉप देखते हैं तो सबका कलर सेम है। और इसी तरह से पुरानी इमारतों में ये जो है शॉप और शोरूम खुले हुए हैं। ये है मोती महल, खुला हुआ है अभी भी, और मैं आपको बता दूँ काफ़ी फेमस यहाँ पे, और कभी ये दिन में मैं यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा देखने में, और एक बहुत बेहतरीन ब्लॉग में बनाने की प्लानिंग में हूँ हजरतगंज का स्पेशली। तो आप ज़रूर उसको देखिएगा, उसको देखने के लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो की मिलती रहे। हर बार कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, इस वजह से इतनी भीड़ है। इस बार मेरे को लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिली नहीं होगी, और इस वजह से यहाँ पे कोई आयोजन नहीं किया जा रहा है उस तरह से, पर भीड़ फिर भी यहाँ पे मौजूद है, और कुछ दुकानें हैं जो इतनी रात तक खुली हुई हैं, और उसी वजह से ये जो भीड़ है यहाँ पे इस समय इकट्ठा हुए हैं लोग, और जो नया साल है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसको इंजॉय कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा किस तरह से है, चहल पहल किस तरह से। रात के 11:30 बजे जनपद मार्केट में एंटर कर चुके हैं, और कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल दिख नहीं रहा है कि कुछ यहाँ पे फंक्शन वगैरह हो रहा हो। तो मुझे लगता है इस बार कुछ परमिशन नहीं दी गई होगी गवर्नमेंट की तरफ से, इस वजह से यहाँ पे कुछ माहौल इस तरह से मिल नहीं रहा है। और हम किसी दूसरी जगह जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से एटमॉस्फेयर हमें मिलता है, और वहाँ के माहौल को हम इन्जॉय करेंगे। इस वजह से फैसला किया कि यहाँ पे हम कुछ समय बाद यहाँ से रवाना होने वाले हैं। इस तरह से पुलिसकर्मी जो यहाँ पे हैं सिक्योरिटी बनाए रखें, और ये ज़रूरी भी है माहौल को सही रखने के लिए, सही ढंग से सब चीज़ संचालित हो, ये चीज़ ज़रूरी भी है। और यहाँ पे इन कुछ लोगों से इंक्वायरी की इन लोगों ने कि कहाँ से आए हैं आप और किस तरह से आप यहाँ पे खड़े हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें यहाँ पे घट रही हैं, और कुछ जब अचानक से देखा तो हमको लगा कि कुछ यहाँ पे कुछ घटना घटी होगी, तभी एकदम से कुछ लोगों को पुलिस घेर के खड़ी है, पर पुलिस ने हमने खुद ही इन्फॉर्म किया कि ऐसा कुछ खास यहाँ पे बात नहीं हुई, बस छोटी मोटी इंक्वायरी चल रही है, जो कि ज़रूरी है वातावरण को शांत रखने के लिए। दूरदर्शन न्यूज़ की वैन खड़ी है, दूरदर्शन न्यूज़ वालों का कैमरा लगा हुआ है, मीडियाकर्मी जो है चप्पे चप्पे तैनात हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये न्यूज़ 18 का कैमरा यहाँ पे। तो अरे भाई, कोई माहौल बनेगा यहाँ पे कि ऐसा ही रहेगा? कुछ लग रहा है जब काउंटडाउन शुरू होगा तब यहाँ पे थोड़ा सा जो है लग रहा है कुछ ना कुछ स्पेशल हो, कुछ माहौल हो, कोई शो ना होने की वजह से या कुछ, पर मैं जैसे अंदाजा लगा रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ खास होगा, क्योंकि इस टाइम पे जो गर्म जोशी से जो यहाँ पे उत्साह होता था लोगों में वो नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे जो कार्यक्रम वगैरह होते थे ऐसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बट आप लोग निराश ना हो,
यहाँ कुछ नहीं है तो आगे कुछ ना कुछ जरूर होगा। हाँ जरूर, वहाँ जाएंगे और आपको दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना हम लोग का जो है दायित्व है। हम आपको चलते हैं एक अच्छी जगह लेकर, अपना जो कर्तव्य है हम पूरा करेंगे, टेंशन मत लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बाकी है और 2 मिनट बाद काउंटडाउन स्टार्ट होगा और तब हम एंजॉय करेंगे अपने नए साल को, वेलकम करेंगे। और आप सभी को न्यू ईयर की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, और आई होप आपका जो ये नया साल है ये काफी आपके लिए फायदेमंद साबित हो। इधर ना, नहीं, एकदम सीधा, एकदम सीधा। पार्टी वगैरह हो गई और काफी भूख लगी है तो इस वजह से अभी हम लोग आए हैं यहाँ हुसैनगंज में एक रेस्टोरेंट में और देखते हैं क्या यहाँ हमें खाने के लिए मिलता है। तो अपनी सीट्स पे हम बैठ चुके हैं और जो डिनर है अपना उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, कुछ देर में आता ही होगा। और जो शोर शराब है आसपास, थोड़ा नॉइज है, उसको नज़रअंदाज करिएगा क्योंकि आज के दिन तो थोड़ा बहुत चलता ही है, होता ही है। तो आप जिस रेस्टोरेंट में अभी डिनर करके आए वहाँ कुछ खास मज़ा नहीं आया, टेस्ट मतलब मिला नहीं, तो इस वजह से अभी दूसरे एक रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ पे अभी हम लोग बिरयानी मंगा रहे हैं और प्लस कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा रहे हैं। तो यहाँ टेस्ट करके देखते हैं कैसा टेस्ट मिलेगा। और मुझे ये जो रेस्टोरेंट है पहले से पता था, पर जो आर्य भाई हैं इनको नहीं पता था, तो मैं चाह रहा था यहीं आए और ये वहाँ पे ले गए, पर वहाँ कुछ खास टेस्ट हमको मिला नहीं। तो अभी यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरह से हमें जो फूड है वो मिलेगा। ये बिरयानी जो है हम लोग की आ चुकी है और देखने में तो काफ़ी बेहतर लग रही है, खाने में उतनी डिलीशियस होगी कि नहीं ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया खा के, मज़ा आ गया। चीयर्स। यहाँ की सबसे अच्छी स्पेशलिटी मैं बता दूँ कि अभी हम लोग जहाँ भी गए तो वहाँ पे हमको प्याज कहीं नहीं मिली, उसकी जगह मूली को दिया गया है प्याज को रिप्लेस करके, और यहाँ पे हमें प्याज जो है दी गई है। जो फूड की क्वालिटी है उसको भी मैं 5 से 4 स्टार ज़रूर दूंगा। 2020 जो है अपना आ चुका है और जो माहौल है वो हमने एंजॉय कर लिया है, आई होप आपको भी काफी मजा आया होगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो रखा है लग रहा है, ये बाइक यहाँ पे पड़ी हुई है और कोई इंसान इधर पड़ा हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है ये एएमसी सेंटर के सामने कैंटोनमेंट में। कैंटोनमेंट में हुआ है? हाँ। ओके, तो कुमार हॉस्पिटल में चले। ओके सर, यारो जी जी एम्बुलेंस को लगा सर वहाँ। अरे सर एक सेकंड, 10 90 तो रहा, देखिए 10 90 नहीं है, कैंटोनमेंट एएमसी सेंटर एएमसी। हेलो हेलो, हाँ ये कैंटोनमेंट एरिया में जो एएमसी सेंटर है कैंटोनमेंट में, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। एमटीजी एएमसी सेंटर के पास एक्सीडेंट हुआ है कमांड। हाँ बिल्कुल, हमारा 2 लोकेशन, आप मूव करिए, वहाँ की व्यस्त है। यारों से मेरी बात पहले तो होने दीजिए, बोलिए। तो परेशान हो रहे हैं, हाइपर क्यों हो रहे हैं? हेलो प्रतीक जी। हेलो जी बताइए। ठीक है, आप वहीं पर रुके, ठीक है, पीजीआई के पास से एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है।
काफी बोलते जा रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं नहीं पा जो डिटेल। फिलहाल मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया तो तुरंत आती ही होगी, और काफ़ी कंफ्यूजन मिला वहाँ पे, आपने देखा कॉल, अब मैंने सुनाई आपको। तो हमने जो जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनको रेस्क्यू कर लिया है, हालांकि काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े थे पर कोई मदद के लिए तैयार नहीं था, और हमने अभी उनको सेफ जगह पे पहुँचा दिया है, वो उनको साइड में लगा दिया और बाइक भी उनकी यहाँ पे खड़ी है इस समय, और कुछ देर में एम्बुलेंस आ रही है, उसके बाद जब उनको एम्बुलेंस पिक कर लेगी उसके बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। एम्बुलेंस पहुंच गई है समय, और अभी हमने इनको जो हैंडओवर कर दिया है, और इसके बाद अब हम लोग यहां से निकल रहे हैं, तो बाकी का काम ये लोग कर ही लेंगे। इनके माता जी के पिताजी के जो भी कर दिया, तो कर दिया। अब सबसे अच्छी बात सर ये है कि इनका फोन अनलॉक था, लॉक नहीं था, लॉक होता तो कोई खोल ही ना पाता। बस आगे संभल के चलाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत चले जाएंगे ना। चलिए ठीक है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप अगर सही हैं तो आप चले जाइए, पर आगे से संभाल के रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसे ड्राइव मत करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइफ में कभी मत ड्रिंक करना, ड्रिंक और ड्राइव बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, अब आप आगे मत करिएगा सर, क्योंकि आप देखिए बहुत गंभीर चोट लग सकती थी, आप बच गए हैं। ये जो केस था ये ड्रिंक एंड ड्राइव का था, जिस वजह से ये काफ़ी गंभीर जो दुर्घटनाएं वो होते होते बची है, पर फिर भी एक्सीडेंट वहाँ पे उस जगह पे चौराहे पे इनकी बाइक पड़ी हुई थी, और ये यहाँ पे पड़े हुए थे, काफ़ी दूर तक ये घिसड़ते हुए आए होंगे, और फिर भी कुछ खास इनको चोट नहीं लगी, तो अभी इन्हें कह दिया है कि आगे से ये गलती नहीं होगी। मोटरसाइकिल इनकी छोड़ दो यहाँ, इनका प्यार मोहब्बत से ले जाओ, जमा कर दो, आप लोग ले जाइए इनको आराम से, चोट वोट नहीं लगी इनको ज़्यादा, फोन करके बता दो, ठीक है एकदम। तो पेशेंट जो है इस समय स्टेबल हैं, और उनके घर वाले भी आ गए हैं, तो एम्बुलेंस वालों को मैंने बोल दिया कि ठीक है आप चले जाइए, जो पेशेंट है वो जाने के लिए तैयार नहीं है एम्बुलेंस के साथ, तो अभी हम लोग इनको इनके जो परिवार वाले हैं उनके साथ छोड़ के अब हम रवाना हो रहे हैं घर के लिए। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, इस वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस तरह से अगर कोई भी इंसान को आपकी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर हेल्प करिएगा। गुड बाय।